मैं समझ नहीं पा रही हूं, मैं करूं क्या? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। कभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। बहुत झेल ली इस 1.5 महीने में, बहुत कुछ झेल ली। जिसको भी कुछ लग रहा है ना, जिसको भी कहीं से कुछ गलत लग रहा है, आप लोग आकर बच्चे का गला दबा दीजिए। बच्चे को बीमारी नहीं है ना, बीमारी नहीं है बच्चे को। मैं अभी दिखाती हूँ बच्चे को बीमारी है या नहीं है। ये देखिए, देखिए इसे, ये 10 महीने का बच्चा, ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ये इसका नेक देखिए आप लोग, ऐसे रहता 10 महीने का बच्चा। इसे देखिए आप लोग, ऐसे रहता 10 महीने का बच्चा। मैं नेहा सिंह आयांस की मम्मी हूँ। मुझे बस आप लोग इतना बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरा पति जेल चला गया, मैं यहाँ अकेली हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। कुछ पत्रकार, एक्सपोज बिहार, भारत लाइफ, ये लोग मिलकर मजाक बना दिए हैं आयांश का। खासकर वो जो विकास राज है, वो उसे मैं स्पेशली कहना चाह रही हूँ कि विकास अभी भी समय है, आप रुक जाइए इस जगह। आपके कारण अगर मेरे आयांश की जान जाती है तो इसके सबसे बड़े भागीदारी आप होंगे। आप सबको इस चीज़ से दूर हटा रहे हैं। मैं बस आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को रोक दीजिए। आप जो वीडियोस बनाकर हमारे घर से ले जाते हैं या हमारे ससुराल से ले गए थे, उसे आपने कट पेस्ट कर पोस्ट किया है, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको अगर दिखाना है तो सच्चाई दिखाइए, ठीक है? मेरा पति दोषी है या नहीं है, वो अभी जेल के अंदर है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आयांश को कुछ होगा तो देख लीजिए, एक्सपोज बिहार वाले और भारत लाइव वाले, आप सोच नहीं सकते हैं। माँ रो रही है हर दिन अपने बच्चे के लिए। मेरा पति मेरे साथ था, मुझे सपोर्ट था, आज मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ मेरा बच्चा, मेरी बेटी और हम हैं। देख लीजिए इसको, इसको क्या करे, छोड़ दे मरने के लिए, मरने के लिए छोड़ दे इसे। गला दबा देती हूं इसका, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आज कभी ऑडियो रिलीज कर रहा है तो कभी कह रहा है कि 420 है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ठीक है, वो 420 है तो वो तो अभी जेल में है। फिर तुम कौन होते हो ये बोलने वाले विकास राज की इसका फंडिंग मत करो? मैं जब बोलूंगा तब तुम लोग फंडिंग करना। तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? ये मेरा बच्चा, ये इसी फंडिंग के बदौलत ही जिंदा रह सकता है, नहीं तो ये मर जाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही थोड़ा भी? और जो लोग ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि ये माँ कैसी है, ये माँ कैसी है कि ये वीडियो बनवा रही है, रोती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है,
मैं बहुत स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, मुझे जल्दी रोना नहीं आता, मैं कोई फेक चीजें नहीं करना चाहती, लेकिन आज आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बस मुझे लग रहा है कि अब मेरा बेटा नहीं रहेगा, मर जाएगा। बहुत लोग जो पैसा दिए वो पैसे मांग रहे हैं, कह रहे मेरा पैसा वापस करो, तुम लोग फ्रॉड हो। मैं फ्रॉड हूँ? मेरा बेटा फ्रॉड है? हाँ, जो फ्रॉड है, जो फ्रॉडगिरी किया है या नहीं किया है, मेरी शादी 2014 में हुई है, उससे पहले ये सब सारी चीजें हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता। ये बच्चा क्या बिगाड़ा है किसी का? वो लड़का, वो भारत लाइव और एक्सपोज बिहार, ये दोनों, इन दोनों का ये कहना था कि, इन दोनों का ये कहना है कि जब मैं बोलूंगा तब आप लोग डोनेट करना। सारे चैनल्स को ये बात कह रहा है कि जब मैं बोलूं तब डोनेट करना। तुम मेरे घर पहली बार आए थे, फिर क्यों वीडियो बनाया, जो लोगों को बोला? आज जब हम बस पहुंचने वाले हैं, हमारे पास 6,88,00,000 आ गया है, तब तुम ये बातें लेकर खड़े हुए और ऐसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही थोड़ी भी? मैं रोना नहीं चाहती हूँ, अभी भी मैं रो नहीं रही हूँ, बस अब मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा नहीं बचेगा। मैं एक बच्चा ऑलरेडी खो चुकी हूँ और मुझसे कुछ पत्रकार उसका डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कौन इतने छोटे बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है? वो तो मैं उस बच्चे का सर्टिफिकेट रखी थी, बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास अभी भी। मुझसे पूछा जा रहा है कि बच्चा मैंने जन्म दिया था कि नहीं दिया था, ये बच्चा मेरा है कि नहीं है, मतलब कैसे कैसे लोग हैं, मैं बता नहीं सकती कैसे कैसे लोग हैं। मैं रो नहीं रही हूँ, मैं रोना नहीं चाहती हूँ। मेरे पति जो कि अभी जेल में हैं, उन्होंने सरेंडर किया है, उनके ऊपर कोई अरेस्ट वारंट नहीं था, अभी फिलहाल उनके ऊपर कोई अरेस्ट वारंट नहीं था, लेकिन वो सरेंडर किए बस इन्हीं सब चीजों के कारण। लोगों का ये कहना था कि वो भाग जाएगा, ऐसा मेनली ये विकास राज, एक्सपोज बिहार वाले और एक भारत लाइव के हैं, इन दोनों का ये कहना था, और इन दोनों के कारण जितने भी लोग इससे दूर हो रहे हैं, इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूंगा? मैं समझ नहीं पा रही हूं मैं करूं क्या, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। कभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। बहुत झेल ली इस 1.5 महीने में, बहुत कुछ झेल ली। जिसको भी कुछ लग रहा है ना, जिसको भी कहीं से कुछ गलत लग रहा है, जो पैसे नहीं देना चाहते हैं, आकर इसका गला दबा दीजिए। खासकर एक्सपोज बिहार वाले और भारत लाइव वाले, आप लोग आकर बच्चे का गला दबा दीजिए। बच्चे को बीमारी नहीं है ना, बीमारी नहीं है बच्चे को, मैं अभी दिखाती हूँ बच्चे को बीमारी है या नहीं है, मैं दिखा रही हूँ। ये रहा अयांश, ये है अयांश, मैं दिखाती हूँ इसे बीमारी है कि नहीं है। ये देखिए, देखिए इसे, ये 10 महीने का बच्चा, ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ये इसका नेक देखिए आप लोग, ऐसे रहता 10 महीने का बच्चा, इसे देखिए आप लोग, ऐसे रहता 10 महीने का बच्चा। मैं, मुझे इतनी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा है, जो भी लोग हेल्प कर रहे थे वो आज हमसे पैसे मांग रहे हैं, हम क्या करें? मेरे पति जो कि शायद अभी रहते तो मैं इतनी कमजोर नहीं पड़ती, लेकिन इतनी कमजोर हूं क्योंकि वो नहीं है मेरे पास, अपने दोनों बच्चों के पास वो नहीं है, मैं क्या क्या संभालूं? मीडिया के 100 सवाल 100 फोन कॉल्स आते हैं कि पैसा वापस करो, बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आप लोगों से क्या क्या शेयर करूं?
हर रोज फोन कॉल्स, हर रोज मीडिया, 100 मीडिया घर में सारे सवाल उठाने के लिए, मैं कैसे फेस करूं ये सब? आप लोग ऐसा करें कि आयांश को मार दें, ना आयांश रहेगा, ना ये सब बातें होंगी, ना मेरे से बर्थ सर्टिफिकेट, ना मेरे से डेथ सर्टिफिकेट, ना मेरी शादी कब हुई, ये सब मांगा जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। इसे देखिए, आपको इसे देखकर भी ये झूठा लग रहा है, ये बच्चा झूठा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बच्चा आपका है कि नहीं है। मैं मतलब एक माँ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये बच्चा मेरा है कि नहीं है। मेरे से इसे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। एक तो पहली बात कि मुझसे डेथ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, दूसरी बात ये सवाल किया जा रहा है कि ये बच्चा आपका है कि नहीं है। मैं इस ऐसे में क्या करूं? मुझे लग रहा है मैं सुसाइड ही कर लूं। मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। पिछले 1.5 महीने से, पिछले 1 महीने से सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि आयांश का इलाज हम करवा पाएंगे, लेकिन पिछले 10 दिनों से इतनी चीजें चेंज होने लगी, इतनी चेंज होने लगी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं रोना नहीं चाहती थी, मैं पहली बार मैं फेसबुक यूज नहीं करती थी, मैं आयांश के कारण फेसबुक यूज अकाउंट बनाई। मुझे, मैं पहली बार लाइव हो रही हूँ, मुझे नहीं पता लाइव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है। बस मैं आयांश के लिए लाइव आई हूँ और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि प्लीज आयांश को बचा लीजिए। एक बेटा मेरा मर चुका है, लोग उस बच्चे के पीछे पड़े हैं जो मर गया, उसके पीछे पड़े हैं, उसके सर्टिफिकेट चाहिए लोगों को। जो बच्चा को बचाया जा सकता है लोग उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, उसको नहीं देखना चाह रहे हैं लोग। मैं क्या करूं? मैं एकदम, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? मैं रोना नहीं चाहती हूं, मैं बहुत कम रोती हूं, मुझे, मैं बहुत स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि रोना कोई सल्यूशन नहीं है। मैं जब इसका रिपोर्ट आया उसी दिन मैं सोच ली थी कि अब मेरा बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन आप लोगों ने सहयोग दिया तो मुझे भरोसा हुआ कि हाँ मेरा बच्चा बचाया जा सकता है, बचेगा। लेकिन फिर एक पॉइंट अभी आ गया कि अब नहीं बचेगा मेरा बच्चा, मर जाएगा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज इससे बचाएं, और मैं कुछ नहीं कह सकती, प्लीज इसे बचाएं, आयांश की मदद करें, और विकास राज एक्सपोज बिहार वाले और भारत लाइव वाले, मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आप फैला रहे हैं ना, ये अफवाहें, ये सारी चीज़ें आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। आयांश को इंजेक्शन पड़ जाएगा, तब तक आप हमारे घर में रहिए ना। आयांश को जब तक इंजेक्शन नहीं पड़ता है, आप बैंगलोर निमहांस जाइए, आप बैप्टिस्ट हॉस्पिटल चाहिए, आप अपोलो चाहिए, आप इन सारे हॉस्पिटल्स में आयांश का ट्रीटमेंट हुआ है। आप कहीं भी जाइए, आप कहीं भी आयांश सिंह के बारे में पता कर लीजिए। अगर आपको ये कहीं से फेक लगे ना कि बच्चा बीमार नहीं है, तो आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप बोले। ऑलरेडी मेरा पति जेल में है, तो जो आप बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी जेल में डाल दीजिएगा, मुझे फांसी पे लटका दीजिएगा, मार दीजिएगा, जो करना होगा करिएगा। अगर ये बच्चा फेक है, अगर इसका बीमारी फेक है, तो आपको जो करना होगा करिएगा। लेकिन विकास राज और भारत लाइव वाले, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं हाथ जोड़कर विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि प्लीज इस समय ये चीज़ें ना करें, इस समय ये चीज़ें ना करें। मैं कभी रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा नहीं बचेगा। तो मैं बस आप लोगों से विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस बच्चे को बचाएं और अफवाह पर ध्यान ना दें। जो भी करना है, आलोक सिंह दोषी होंगे तो उन्हें कोर्ट सजा देगी। किस बाप को अच्छा लगता है कि उसका बेटा इतना पेन में है, उसके पास इतनी कम लाइफ बची है और वो जेल में जाए?
किस बाप को अच्छा लगता है ये चीज करना। लेकिन फिर भी इसके इसके पापा जेल के अंदर गए, ये जानकर भी कि बेटे के पास बहुत कम समय बचा है। महज इसकी लाइफ 18 से 24 महीने की है, ज्यादा से ज्यादा। आगे नहीं पता ये क्या होता है, कैसे होता है, मुझे नहीं पता। इसे कुछ भी कभी भी हो सकता है। कौन सा बाप चाहेगा मैं जेल में जाकर बंद हो जाऊं इस कंडीशन में अपने परिवार को छोड़ के। लेकिन सिर्फ आप लोग के दबाव के कारण और कुछ एक लड़कों के दबाव, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसी मेंटालिटी हो गई है लोगों की। कुछ लोग जो पैसे दिए हैं वो पैसे मांग रहे हैं कि मेरे पैसे। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसी चीजें क्यों की जा रही है, अभी क्यों की जा रही है। इस बच्चे को इंजेक्शन दिलवा देने के बाद आप लोग को जो करना था आप लोग करते। प्लीज ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, मेरा बच्चा मर सकता है। अगर मरेगा तो जिम्मेवार आप लोग ही होंगे, खासकर विकास राज, एक्सपोज बिहार वाले और भारत लाइव वाले। आप लोगों को आलोक सिंह का जो भी चीज निकालना है ना, आप लोग निकालें, बेशक निकालें। थोड़ा इंतजार कर लें जब तक कि अयांश को इंजेक्शन नहीं पड़ जाता है, या आप लोग जिम्मा लें। विकास, एक्सपोज बिहार वाले, आपने ये एक बात मेरे से कही थी कि मैडम मेरे पास 20 बीघा जमीन है, मैं उसमें से 2 बीघा बेच दूंगा और अयांश का इलाज करवा दूंगा। अरे विकास भाई, मेरे पास 6,88,00,000 जमा हो गए हैं, आप ये पैसे ले लो, अपनी जमीन बेच के मेरे बेटे की इलाज करवा दो। करवाओगे? हाँ, अरे क्या बोलो, तुम्हारे लिए मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। तुम इतना गिर सकते हो ये मुझे नहीं पता था। तुम मेरे घर आए थे, मैंने तुम मुझे दीदी बोले थे, मैं तुम्हें अभी भी भैया भैया बोलती हूँ। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? थोड़ी भी शर्म नहीं है इस तरीके का चीज फैलाना इस समय? और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, वो लोग कहाँ थे शुरुआत में? एक्सपोज बिहार वाले मेरे घर आए, शुरू में वो कहाँ थे? कहाँ थे शुरू में वो? शुरू में उन्होंने मेरी तहकीकात क्यों नहीं की कि मेरे पति पर कौन सा केस है, कौन सा केस नहीं है? जब आज हम यहां पहुंच गए उसके बाद ये तहकीकात क्यों की जा रही है? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, बस इतना कहूंगी कि प्लीज अयांश की मदद करें, और नहीं अगर मदद करना है तो आकर इसका गला दबा दें, क्योंकि मुझे अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बच्चा अब रहेगा नहीं। तो जितना जल्दी ये मर जाए उतना बढ़िया है ना। एक हो चुके हैं, ये भी चला जाएगा, आप लोगों को आराम मिलेगा, है ना? ठीक है, आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही, जो करना है आप लोग करें, मैं कुछ नहीं कह सकती। इसका चेहरा आप लोग देख लीजिए, बस इसका चेहरा आप लोग देख लीजिए। मेरे पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।